हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का दानेदार हलवा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सूजी आधा कप, पानी दो कप, चीनी एक कप, हरी इलायची पाउडर आधा चम्मच, घी आधा कप, दूध दो चम्मच, केसर एक पिंच। दूध और केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें अदरवाइज ना करें। और रेड फूड कलर जो कि हमने एक पिंच लिया है, आप इसको भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। और मिक्स ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, यह हमें लगभग 50 ग्राम की ज़रूरत होगी। तो चलिए सूजी का दानेदार हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें दो कप या फिर दो गिलास पानी गर्म कर लेंगे। पानी हमें सूजी से चार गुना लेना है। सूजी हमने आधा कप ली है तो पानी हम दो कप लेंगे। और चीनी हमें सूजी की डबल लेनी है। अब हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे। पानी में चीनी को घुलने तक हमें इसे पकाना है और इसे हम बीच बीच में घुमाते रहेंगे। चीनी को घुलने में लगभग 5 मिनट लग जाएगा। अब जो ये चीनी है लगभग घुल चुकी है, हम इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और इलायची को भी हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और अब हम इस चीनी की चाशनी को अलग रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें आधा कप सूजी डाल देंगे। अब इस सूजी को हमें हल्का कलर चेंज होने तक लो फ्लेम पे पकाना है। इसको पकाने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाएगा। अब जो ये सूजी है इसका बहुत ही हल्का कलर चेंज हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से एक कढ़ाई या पैन लेंगे, आप सेम पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आधा कप घी डालेंगे। घी में हमें 2 चम्मच घी बचा लेना है। आधे कप घी में से जो हमने 2 चम्मच घी बचाया है इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसी दौरान हम लगभग 2 चम्मच दूध में 1 पिंच केसर भिगा के रख देंगे। अब जो ये घी है ये गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ काजू डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे और उसे घी में अच्छे से भून लेंगे। अब जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये हल्का सा भून चुके हैं तो हम इसमें 10 से 12 किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी बहुत ही हल्का भून लेंगे। अब इसमें हम आधा कप भुनी हुई सूजी डाल देंगे। अब सूजी को लगभग हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब लगभग 2 मिनट हो चुका है और जो सूजी है उसने अपना हल्का सा कलर और चेंज कर दिया है। अब इसमें हम शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप को हमें गर्म ही इसमें डालना है और हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसे आप 2 से 3 बार में डालें। चाशनी को हम सूजी में डालने के बाद चाशनी और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सूजी के मिक्सचर को हमें 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम और हाई फ्लेम पर पका लेना है। इस मिक्सचर को हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसलिए पकाना है ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। इसी दौरान हमने जो केसर भिगा के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालने से इस हलवे का कलर और भी अच्छा आएगा। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। मैंने ये लगभग 1 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर पानी में मिला के लगभग 2 चम्मच पानी में मिलाकर इसमें डाल दिया है और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो ये हलवे की कंसिस्टेंसी है ये भी काफ़ी थिक हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में बचा के रखा था। घी डालने से ये जो हलवा है ये देखने में और भी अच्छा दिखने लगता है। और अब इस हलवे को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और मिक्स ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।